आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त चरणजीत सिंह और आज संडे है। संडे को साइकिल साइकिल की सवारी होती है और आज साइकिल की सवारी कहाँ जा रही है? आज साइकिल की सवारी जा रही है सुचेतगढ़ बॉर्डर। सुचेतगढ़ बॉर्डर आरएसपुर में पड़ता है और वहाँ है इंडो पाक बॉर्डर और वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने सफ़र में दिखाएंगे, अपने सफ़रनामा में दिखाएंगे। और दोस्तों वेट हो रहा है दोस्त का, जैसे ही वो आता है तो निकलते हैं ट्रैवल के लिए और कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे शॉट्स लेने की, अच्छी वीडियो बनाने की, ताकि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज एक गलती हो गई, ग्लव घर में रह गए, ये देखिए क्योंकि तो वाट लग गई है, अब सर्दी है। और आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग साइकिलिंग बाइकिंग किसी पे भी जाएं तो अपने ग्लव गैजेट्स अपने पूरे साथ में रखें। पहुंच गए हैं आरएसपुरा और आरएसपुरा एक ऐसी मार्केट है यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ जितने भी कनेक्टेड गांव हैं वो आरएसपुरा में ही शॉपिंग करने आते हैं या फिर अपने ज़रूरी सामान खरीदने आते हैं। तो दोस्तों ये आरएसपुरा है, यहाँ से कनेक्टेड रोड हम पकड़ेंगे और जाएंगे सुचेतगढ़ को। साथ एक लड़का है, ये भी तैयारी कर रहा है डिफेंस की, तो इससे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे इसकी तैयारी चल रही है, क्या कर रहे हैं, कब आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? प्रवीण कुमार है इनका नाम। प्रवीण कुमार जी, कैसे चल रही तैयारी? तैयारी अच्छी चल रही सर। के कर रहे हैं सुबह रनिंग? अभी रनिंग। कितने बजे उठते हैं सुबह? सुबह 5 बजे उठते हैं। अच्छा, फिर 5 बजे उठ के सुबह ग्राउंड में आते हैं, रनिंग करते हैं इधर। अच्छा, 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं सुबह। अच्छा, कब है कोई आने वाली है? कोई 10 फरवरी से जम्मू में ग्राउंड में। अच्छा, रैली है? हाँ जी। चलो ठीक है भाई, तैयारी करते रहो। ठीक है कि दोस्तों एक गांव के लड़के जो हैं ये मेहनती लड़के हैं, सुबह उठ जाते हैं 5 बजे। और हमारे सिटी के कुछ ऐसे आजकल मैं देख रहा हूँ जो बच्चे हैं वो मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं पूरी पूरी रात और सुबह उठते नहीं हैं। ये उनके पेरेंट्स के लिए खासकर ये वीडियो बनाया है मैंने, ये थोड़ा इसको ज़रूर देखें। और ये अच्छी चीज़ है, यही लड़के जो हैं कल हमारे आर्मी में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे या फिर गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ सभी को कि अपने अपने बच्चों को थोड़ा सा इस ओर भी लाएँ। थैंक यू भाई मुझसे बात करने के लिए। दोस्तों ये बॉर्डर के पास ही हम पहुंचने वाले हैं और यहाँ ये चाचू की दुकान में मारी है ब्रेक। यहाँ ये चाय
अब हम चखेंगे पलंग तोड़। पलंग तोड़ क्या है मैं आपको बता दूं, पलंग तोड़ है मिल्क केक, जो यहाँ से सफेदगढ़ यहाँ बॉर्डर के पास बहुत ही स्पेशल माना जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। ये थोड़ा सा चखेंगे चाकू से अब। बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, जब भी कभी इधर आए तो ये गेट के पहले ही ये चाचू की दुकान है, दुकान का नाम अशोक स्वीट शॉप। दोस्तों ये बाहर बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, अरे अंदर लगाया हुआ है चाचू ने। नहीं नहीं आता, उस पे नेट पे आता है। हाँ। नेट पे भी आता है, नेट पे आप सर्च मार सकते हैं। हाँ। और यहाँ से मिल जाएगा आपको ये स्पेशल प्लंग तोड़। देखे आपने बॉर्डर की कुछ पिक्स, क्योंकि अंदर परमिशन नहीं है वीडियो बनाने की, इसीलिए फ़ोटो खींच सकते हैं अंदर। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं अंदर एक कैंटीन भी है। और दोस्तों अभी मैं आपको ले जा रहा हूं श्री रघुनाथ मंदिर, 1837 में महाराजा गुलाब सिंह द्वारा बनाया गया था। 1971 की लड़ाई में एक हवाई फायर हुआ था और वो गोला मंदिर के ऊपर शोर पर गिरा था, पर वो गोला फटा नहीं था। उसका स्पॉट मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ से अब हम जा रहे हैं घराना। घराना इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी सीज़न है, सीज़न में अब जो पक्षी हैं वो आ गए हैं वहाँ पे। उनसे पता चला कि अभी काफ़ी तादाद में वहाँ पे पक्षी आए हुए हैं। वो यहाँ से नज़दीक ही है, सुचेतगढ़ बॉर्डर से यहाँ से कोई 3-4 किलोमीटर है, तो हमने सोचा कि जाते हुए वहाँ भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वहाँ पर। और यहाँ पे कुछ लोग भी घूम रहे हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम पक्षी देखने आए हैं। कौन से पक्षी? आपको पता कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं पता है आपको? बेटा आपको कैसे लग रहा है यहाँ से? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हो, स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। तो आप और बच्चों को क्या बोलोगे, यहाँ पे आओ? हाँ। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के सर हैं, सर धीरज जी। उनके साथ बात करेंगे कि इन पक्षियों को लेकर कैसे, उनको कौन सी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, कौन से जो हैं कार्य करने पड़ते हैं, उससे बात करते हैं। और सबसे पहले धीरज जी आपको स्वागत है। जी सर, शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ये पक्षी सेंट्रल एशिया से आते हैं, ये बाहर अगली चीज है, सेंट्रल फीम को बोलते हैं, हिंदी में राजहंस भी कहते हैं। और ये हज़ारों में उनका सफर तय करते हैं, ये दिसंबर में मोस्टली आ जाते हैं और फिर ये मार्च तक यहाँ आते हैं। तो प्रोटेक्शन जो इनकी है, हम पूरी इनकी सर्विलेंस करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है, वो इनकी पूरी देख रेख करता है।
कितने अगर नुकसान होता है कि हम लोग पूरा इंतजाम नहीं करते। और सर आपसे जानना चाहते हैं ये अभी जो बर्ड फ्लू है ऐसा कुछ इन पर कोई होता नहीं है यहाँ पे पूछ रहा हूँ सर, यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ उपग्रह हमने नहीं किया, कोई पक्षी सिम्टोमेटिक हमें नहीं मिला, कोई मोर्टैलिटी भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग बायोलॉजिकल के साथ तकरीबन सारा दिन ही इनको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि ऐसा कोई अगर मिलता है तो उसको पूरा रिपोर्ट किया जाए। दोस्तों ये हैं धीरज जी, इन पक्षियों की जो सर्विलेंस कर रहे हैं और बहुत ही गर्व होता है ये देखकर कि हमारी जो फोर्स है वो ऐसे काम में जुटी हुई है, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धीरज जी आप क्या कहना चाहेंगे जम्मू के लोगों को इस जगह के बारे में? सर जम्मू के लोगों को अभी काफ़ी सारे लोगों को इसका पता ही नहीं है कि इतना एक अच्छा स्थान यहाँ पे हमारे जम्मू में है, तो लोग यहाँ आए उनका मोस्ट वेलकम है। ये चीज़ें जो है इतनी क्लोज जो व्यू है वो आपको इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पे आप इसको इतना क्लोज देख सकते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में जो पक्षी हैं आगे तो यहीं पर देखे जा सकते हैं, तो लोग जरूर यहाँ आए, सबका मोस्ट वेलकम। अलग अलग मंथ में आते हैं सर, कुछ यहाँ के इंडिजीनियस हैं जी, कुछ माइग्रेटरी हैं। हाँ स्कूल के बच्चे वगैरह आते हैं थोड़ा जी जी, एक वो हमारे आ होती है